सपोर्ट हो सके हम उसको करेंगे। अरे यार सपोर्ट, काफ़ी देर मेरी बात हुई बहन से, बहन 10th क्लास में है। गाइस कैसे आप लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। यार गाइस एक छोटी सी स्टोरी है। कल एक मेरा फ्रेंड था नीरज, जो कि एमसीडी ऑफिस में काम करता था। एक्चुअली ना मुझे लड्डू का, अपने छोटे वाले बेटे का, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, तो मैं उससे कॉन्टैक्ट हमेशा करता था, पहले भी करता था जब यूवी के टाइम पे, तो मैं उसी से मिला था एमसीडी ऑफिस में। काफ़ी हेल्पफुल बंदा था, काफ़ी हेल्पफुल बंदा था। कल इमरजेंसी में मैंने उसको वीडियो कॉल किया है, क्योंकि ऑडियो लग नहीं रहा था, तो मैंने बोला यार हो सकता है वीडियो कॉल पे बात हो जाए। भाई काफ़ी मशक्क़त के बाद ना उससे बात तो नहीं हो पाई, बट आधा एक घंटा बाद रात को कोई 11:30-12 बजे अप्रोक्सीमेट मैसेज आया कि भैया नहीं रहे, मैं उनकी छोटी सिस्टर बात कर रही हूँ। गाइस पता है आंख बंद करते ही ना दुनिया ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म। मतलब कि बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा ना कि उस, मतलब कि वो बंदा भी यूट्यूब पे, मतलब ये चैनल था उनका भी फूडी नाम से, फूडी तक का, और काफ़ी इनोसेंट गाइस था यार, काफ़ी मतलब कि डिसेंट बंदा था, काफ़ी हेल्पफुल बंदा था। और जब कल पता चला ना यार कि वो नहीं रहा, मतलब कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा, तभी मैं सोचा कि नहीं एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेना ज़रूरी है कि भाई देखो वो अपने फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने फादर के साथ, मम्मी के साथ, सबके साथ ना 10 से 15 मिनट पहले सब कुछ बात बात किया, बढ़िया से बात बात करके गया सोने के लिए। जैसे सोने के लिए गया ना उसके बाद वो उठा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद अपने सारे गम भुला दो भाई, एक के पास एक से बड़ा गम है, एक से एक बड़े गम है सबके पास है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो भाई बिना टेंशन के घूम रहा हो, चाहे वो कितना भी रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे वो कितना भी पुअरेस्ट पर्सन हो, सबके पास ही गम है भाई। सब के सब मतलब कि सबके एक दुखड़े अलग अलग है, समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ना जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, जो 8 जो सुबह 9 बजे से जो हम लोग काम करते 9:30 बजे तक या 6:30 बजे तक, 5 बजे तक भाई, उसके बाद ना फैमिली को टाइम देना, अपने दोस्तों को टाइम देना, अपने प्यार को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक दूसरे का साथ रहो यार, क्योंकि बस एक दूसरे के साथ रहोगे बस वही अच्छा ये काम आएगी, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा भाई। और यार एक दूसरे के साथ गलत करके कहाँ जाना यार, कहीं भी नहीं जाना भाई। ये वीडियो मैं बनाता नहीं, बट वो कहते हैं ना यार कि कोई वर्ड्स नहीं है उस लड़के के बारे में यार। नीरज नाम था, रजौरी एमसीडी ऑफिस में मुझे मिला था वो लास्ट 1.5 साल पहले। और मैं शौक इस बात पे हूँ कि लास्ट मेरी जो उससे बात हुई थी ना, वो हुई थी मेरी 28 जनवरी को रिगार्डिंग यूट्यूब के चैनल के लिए, कि वो कह रहा था भैया मेरा चैनल बढ़ नहीं रहा, मेरा चैनल बढ़ नहीं रहा, तो प्लीज़ कुछ हेल्प करो। मैंने बोला तू वीडियो डालता ना, तू हार मत मान, चैनल ग्रोथ करेगा। और वो बंदा उस चीज़ पे काम करना भी लगा, फूडी व्लॉग्स था उसका काफ़ी, मतलब कि हर जगह जा जा के ट्रेंडिंग चीज़ें दिखाता था खाने की, काफ़ी चीज़ें। और 28 तारीख के बाद हमने बोला कि भाई हम 1 साल बाद मिलेंगे, हमारी ये भी बात होती है, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज है जो व्हाट्सएप पे बात हुआ था कि तू डालता रहे मैसेज, तू वीडियोस डालता रहे, 1 साल बाद देखियो ग्रोथ अपने चैनल को यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ये। और 28 जैन से लेके आज है 26 सितंबर 2023, इस गैप में ना हमारी बात नहीं हुई कभी भी, मतलब कि ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 8 महीने हो गए, बात नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला था, शायद हो सकता था वो भी बात कर, क्योंकि उससे पहले फिर एक दो बार बात जनवरी में ही हुआ था जो मुझे आइडिया आ रहा है। सेम नंबर से कल मैंने जब कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, सेम नंबर से जब बहन ने बोला ना कि भैया नहीं रहे,
काफ़ी देर मेरी बात हुई बहन से, बहन 10th क्लास की, पापा है, बड़ी बहन है, दोस्त की बहन दोस्त ही होती है भाई, दोस्त के मम्मी पापा आपके मम्मी पापा जैसे ही होते हैं। तो मैंने मतलब डिसाइड अभी किया नहीं है मैं कब जाऊँगा, बिकॉज मुझे एड्रेस भी नहीं पता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से मिले थे, फिर वैसे फिजिकल भी मिले थे हम लोग रजौरी गार्डन के ऑफिस में, एमसीडी ऑफिस में अच्छा एक वर्क करता है यार, और वो इतना हेल्पफुल था ना, जब मैं एमसीडी ऑफिस में गया था ना तो वहाँ पे सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो चुका है, वो बंदा मतलब कि मेरे इतने हेल्प किया था ना, मतलब कि भाई मेरे खुद ही डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करना, फ़ोटो लगा के देना, ये कैसा अटैचमेंट हो गया था, बिल्कुल भाइयों जैसा अटैचमेंट हो गया था। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली बात करते थे हमेशा, उसने बोला था भैया जी कोई भी गवर्नमेंट अगर आपका काम रुकेगा ना प्लीज़ आप मुझे याद करना, और आज मेरा काम रुका था, आज मैंने याद किया, बट आज मैंने भाई नहीं है। तो मैं तो बस भगवान से ही बोलूँगा कि भगवान उनकी फैमिली को यार हिम्मत दो। तन्नू कल कितने बजे बताया था मैंने आपको, 11:30-12 बजे तो फिर ये भी होता नहीं है कि यार सडनली बंदा, और हम लोग क्या बात कर रहे थे 10 मिनट से बात करेंगे लड्डू के जन्मतिथि के लिए, जन्मतिथि के लिए बात करेंगे और वो काम हो जाएगा ये 100%, क्योंकि लास्ट टाइम पे उसने यूवी का भी कराया था और सपोर्ट भी करते हैं काफी, देखा नहीं था लेकिन आपसे ही सुना, जब इसने सुना ना ये भी बिल्कुल मतलब ये होता ना कि यार लगता है अकेला लड़का लड़का था, वो भी कि मैं अपने काम से फोन कर रहा हूँ भाई उसके पास काम से, कि भैया यहाँ पे मैंने मैसेज भी किया था कि भैया छोटे वाले बेटे 2 साल का हो गया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तब उसकी बहन का फोन आया था, फोन नहीं आया था, मैसेज करी थी भैया नहीं रहे, हाँ मतलब मैसेज आया था कि भैया नहीं रहे, और अभी भी दोबारा से सुबह सुबह मैसेज आया था कि भैया गुड मॉर्निंग मैं स्कूल जा रही हूँ, और मैं चल छुटकी चल ठीक है, मतलब ये है कि देखो यार एक मतलब कि मैं मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, बट ये कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि एक देखो यार छोटी बहन, देखो मेरी बहन तो है नहीं ठीक है, अगर मेरी ताऊ जी की लड़की या मेरी मासी की लड़की है तो वैसे भी मेरे लिए वो भी रहेगी और उसकी फैमिली भी रहेगी, बिकॉज यार वो मेरा दोस्त था, तो दोस्त के घर वाले भी भाई अपने घर वाले जैसे ही होते हैं, तो हो सकता है कभी मतलब छुट्टी करके तन्नू और मैं जाएंगे उसके घर पर और ब्लॉग भी आएगा, आप लोग उससे शेयर भी करूँगा कि यार 4 मार्च को ये बात हुआ था और आज है मतलब 8 महीने हो चुका है, मेरी बात नहीं हुई थी, सब लोग कहेंगे कैसा दोस्ती था कि जो आज तक बात ही नहीं किया था यार हम लोग, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आप, उससे जब मेरी बात हुई थी उसने बोला था भैया मेरे वीडियो वायरल नहीं हो रही है, हमने बोला भाई 1 साल बात करेंगे, 1 साल तो कंटिन्यू वीडियो डालता रहा, उसने बोला ठीक है भैया डन मैं हमेशा डालूंगा आप टेंशन मत लो ये वो, और यार सडनली सुनने में आता ना अचानक में कि भाई बंदा ही नहीं रहा, तो भाई गलतियाँ होती है माफ़ कर दिया करो, जब बंदा ही नहीं रहेगा तो गलती क्या होगा समझे, तो यार एक दूसरे के साथ भाई प्यार मोहब्बत से रहो, बाकी भगवान है कब किसको कहाँ भेजना है, मैं तो सब कुछ सेटल कर ही रखा भाई, और जो आप लोग सोचते हो ना यार कि हमारे घर में लड़ाई होती है ये होती है, भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, बस कंटेंट है, आप लोगों से प्यार करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं, बाकी हमारे घर में भी सब कुछ ओके चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और कितने लोग कहते हैं यार तुम्हारी वाइफ से बनती नहीं है, वाइफ की जुबान से नहीं बनती, ठीक है भाई अगर आपको लगता है तो हमारी नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपनी लाइफ में खुश है ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ में खुश है, और आई होप कि आप लोग भी अपने परिवार में खुश रहो यार, बाकी देखो तुम लोग दूसरे को क्या देखोगे यार, अपने आप को देखो, अगर आप लोग खुश हो ऐसे, अगर हम लोग एक दूसरे को देखेंगे ना तो हम लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई खुश रहा ही नहीं है, अपने परिवार को देखो, छोटी सी फैमिली यार, मम्मी पापा अधिक से अधिक कौन होता है, मम्मी पापा भाई बहन बात खत्म, बहन भी 20-25 साल बाद चली जाती है, तो भाई छोटी फैमिली है, सिक्योर रहो, अपना ख्याल रखो, माँ बाप का ख्याल रखो, और मिलते एक बाकी, तो यार इस वीडियो का कोई तुक नहीं था, बट ये था कि आप लोगों से शेयर करना बहुत जरूरी था, मिलेंगे हम, मिलने जरूर जाएंगे घर वालों से, क्या पहले तो जो उसकी सिस्टर है जिससे मेरी बात हुई है उसका नंबर अब सिस्टर ही चला रही है, तो वो 10th क्लास में है, तो अभी मेरी बात हुई है, बाकी देखेंगे टाइम निकाल के उसके घर चलेंगे, और भाई जाना भी चाहिए, वो कह दिया जितना सपोर्ट हो सके, अरे यार सपोर्ट दिल से रहेगा बहन के लिए और उस माँ बाप के लिए भाई, जिसने हीरे जैसा लड़का खोया है और काफ़ी
बढ़िया लड़का, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि देखो देखो जो बुरा रहता है ना, मैं उसके बारे में खुल के बुरा कहता हूँ, वो बंदा इतना डिसेंट था ना भाई, इतना हेल्पफुल बंदा था, नो वर्ड्स नो वर्ड्स भाई। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे यार, तुम लोग प्यार से रहो यार, प्लीज लड़ाई एक दूसरे से मत किया करो, और जो भी एक दूसरे की गलतियां करता है भाई, गलतियां माफ करो, अगर गलतियां माफ करोगे तो ही आगे भी बढ़ सकते हो और प्यार मोहब्बत भी रहेगा। चलते अब ऑफिस का टाइम हो चुका है, जिंदगी ऐसे कट जाएगी, सुबह उठना है ऑफिस जाना है, शाम को आना सो जाना है, सुबह उठना है ऑफिस जाना, शाम को आना सो जाना है, और कुछ नहीं है भाई। जब उठते हो ना तो एक नई जुनून लेके उठा करो भाई, कि प्यार मोहब्बत बांटना है, बांटना है, सबके साथ प्यार से रहना है, यही रहेगा साथ में। आज वो भाई इतना प्यार से बात करता था, इतना हेल्पफुल था, तभी मैं आज उसके बारे में ऐसे बात कर पा रहा हूँ ना यार, है नहीं तन्नु? अगर जो लड़का अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए वैसे बोला जाता है जैसे वो होता है, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को देख के अपने परिवार के साथ प्यार करो यार, प्यार से रहो यार, लड़ाई झगड़ा मत करो भाई। और ये वृद्ध आश्रम जितने बने हुए सब बंद करवाओ यार, सब बंद करवाओ, अपने माँ बाप को अपने साथ रखो। सो टेक केयर, वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को मत सब्सक्राइब करना, ये वीडियो बस मेरे दोस्त के लिए था, बात खत्म।